चौकशीच्या नावावर तासनतास पोलीस बसवून ठेवत असल्याचा आरोप संतोष साहू यांची मुलगी कोमल संतोष साहू हिने केला आहे. या संदर्भात तिने पोलीस आयुक्तांकडे धाव घेतली असून त्यांना निवेदन दिलं आहे. गैरअर्जदार राजेश कल्लूप्रसाद साहू उर्फ पड्डा राहणार विलासनगर, मसानगंज येथे राहणारा पंकज प्रेमचंद गुप्ता, मणिपूर लेआउट येथील रहिवासी महेश लक्ष्मण प्रसाद साहू, कॉटन मार्केट येथील सोनल सुरेश गुप्ता या गैरअर्जदारांविरोधात तिने पोलीस आयुक्तांकडे कैफियत मांडली आहे. कोमल संतोष साहू हिने पोलीस आयुक्तांना सांगितलं की मी माझ्या आई व भाऊ बहिणीसोबत राहते. वडील संतोषभाई बाबूलालजी साहू हे मागील 25 ते 26 वर्षापासून इतवारा बाजार येथील श्री बालाजी मंदिर संस्थानमध्ये सचिव म्हणून काम पाहत होते. शिवाय हे गैरअर्जदार बालाजी मंदिर संस्थानमध्ये ट्रस्टी म्हणून होते. 27 मे रोजी संतोष साहू यांनी वाशिम अर्बन बँकेचे मॅनेजर इंगोले व अधिकारी वानखडे यांच्याविरुद्ध सुसाईड नोट लिहून आत्महत्या केली. माझे वडील हे बालाजी मंदिर संस्थान इतवारा बाजार या संस्थेच्या निवडणुकीमध्ये अध्यक्ष म्हणून निवडून येण्याकरता उभे राहणार होते, परंतु गैरअर्जदारांनी माझ्या वडिलांच्या मृत्यूच्या आधी बरेचदा माझ्या वडिलांना फोनद्वारे निवडणूक लढवू नये याकरता ते दबाव आणत होते. माझे वडील नेहमी आम्ही घरी असताना सतत गैरअर्जदारांसोबत बोलत होते व त्यावरून असे लक्षात येते की गैरअर्जदार हे माझ्या वडिलांनी सदरची निवडणूक लढवू नये याकरता अत्यंतिक दबाव आणत होते, माझ्या वडिलांना धमक्या देत होते, असं कोमल साहूचं म्हणणं आहे. हम तुम्हारे बच्चों की जिंदगी खराब कर देंगे, इसलिए तू अपना इलेक्शन लढने का ख्याल छोड़ दे, व त्यांच्या दबावामध्ये आम्ही बरेचदा आमचे वडिलांना मानसिक तणावामध्ये बघितलं आहे. आम्ही आमचे वडिलांना सदर बाबीबाबत विचारणा केली असता वडिलांनी आम्हाला सांगितले की बालाजी ट्रस्टमध्ये काहीतरी आर्थिक मोठा घोळ गैरअर्जदारांनी केलेला आहे व त्याबाबत मला माहिती झालेली असल्याने गैरअर्जदार हे मला ट्रस्टच्या कमिटीमधून काढून टाकण्याच्या बेतात आहे. व त्या मानसिक तणावात माझे वडील आम्हाला नेहमी म्हणत होते की इनके दबाव में मुझे एक दिन आत्महत्या करनी पड़ेगी, तभी मेरे पीछे से यह झंझट छुटेगी. त्यामुळे आम्हाला असं वाटतं की हे सुद्धा त्यांचं आत्महत्येमागील कारण आहे. अध्यक्षपदाची निवडणूक ही 9 जून रोजी होती, परंतु त्याआधीच कोणत्याही प्रकारची योग्य ती पद्धत न वापरता निवडणूक न घेता 23 मे रोजीच नवीन अध्यक्षांची निवड करण्यात आली. गैरअर्जदारांच्या कृत्यावरून हे सिद्ध होते की त्यांच्या दबावात माझ्या वडिलांनी आत्महत्या केलेली आहे. या संदर्भात कोल्हापुरी गेट पोलिसांना पूर्ण माहिती दिली आहे, परंतु तेथील अधिकारी गैरअर्जदारांची साधी चौकशीसुद्धा करत नाहीत, असं कोमल साहू यांचं म्हणणं आहे. नमस्कार, मैं पायल साहू. मेरे पापा संतोष भाई साहू, इन्होंने 27 मई 2022 को गरगड़ेश्वर मंदिर परिसर में विष प्राशन कर आत्महत्या कर ली. आत्महत्या के पूर्व इन्होंने एक सुसाइड नोट लिखी थी जो पंचनामे में बरामद हुई है. सुसाइड नोट में लिखा गया है, उन्होंने 2016 में वाशिम अर्बन बैंक से लोन लिया था, जिसके चलते बैंक के मैनेजर इंगोले व वसूली अधिकारी वानखड़े पापा को मेंटली टॉर्चर कर रहे थे और साथ ही पैसे जल्दी लौटाने के लिए मजबूर कर रहे थे. और इलीगली 27 मई 2022 को हमारा घर सीज होने वाला था, जो इलीगल इसलिए क्योंकि हमें 7 दिन मिलने चाहिए थे कायदे से, जबकि हमें 3 ही दिन मिले थे. इसके जिम्मेदार वानखड़े और इंगोले थे. साथ ही पापा को एक और मानसिक तनाव से जूझना पड़ रहा था, वो ये पापा श्री बालाजी मंदिर संस्थान के ट्रस्टी व सेक्रेटरी थे, जो पापा ने एक सपना देखा था बालाजी संस्थान का जो मंदिर है जो इतवारा बाजार स्थित है उसका पुनर्निर्माण के लिए पापा ने 2.5 साल से कड़ी मेहनत की, चंदा इकट्ठा किया. परंतु 23 मई 2022 को सोनल सुरेश गुप्ता को बांधकाम समिति अध्यक्ष बना दिया जाता है और पापा को आश्वासन दिया जाता है कि तुम इस चुनाव से दूर रहो, हम तुमको बैंक का कर्ज चुकारा करने में मदद करेंगे. यह आश्वासन महेश साहू, पंकज गुप्ता, सोनल गुप्ता और राजेश साहू उर्फ पड्डा द्वारा दिया जाता है और साथ ही यह दबाव दिया जाता है कि अगर तुम ये इलेक्शन में खड़े होते हैं तो तुम्हारे बच्चों का करियर हम बर्बाद कर देंगे, जिसके चलते पापा इस इलेक्शन में से दूर हो गए.
और उन्होंने मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लिया। इसके पश्चात हम सीपी मैडम के ऑफिस में गए 17 जून 2022 को। हमें सीपी मैडम के ऑफिस का दरवाज़ा इसलिए खटखटाना पड़ा क्योंकि कोल्हापुरी गेट पुलिस थाने के PSI अभी तक हमारी FIR लॉज नहीं करना चाहते। जब FIR लॉज कराने जाओ तो पुलिस घंटों तक हमें बैठा के रखती है जैसे कि हम कातिल हो और असली कातिल बाहर घूम रहे हैं। हम चाहते हैं मैडम से कि वो हमारी FIR दर्ज करे और इन्वेस्टिगेशन शुरू करे। और पापा ने मरने के पहले कुछ 4-5 लोगों को बहुत सारे कॉल किए थे, इसकी डिटेल निकाली जाए और इन्वेस्टिगेशन की जाए, परंतु अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आज मृत्यु को 1 महीना पूरा हो चुका है, मृत्यु हो चुकी है, सुसाइड नोट मिल चुका है, परंतु समझ नहीं आ रहा पुलिस अभी तक हाथ पे हाथ क्यों। सीपी मैडम व कोल्हापुरी गेट के अधिकारियों से निवेदन है हमारी FIR जल्द से जल्द लॉन्च की जाए व इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाए और हमें न्याय दिलाने में मदद करें। धन्यवाद। गैर अर्जदारांची कसून चौकशी करून त्यांच्याविरुद्ध योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी अशी मागणी कोमल साहू यांनी केली आहे।